इस वक्त मैं ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के घर पर हूं और तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देश का नाम रोशन किया है। इससे पहले कई तस्वीरें आपने देखी थी, देश में इस वक्त खुशी का माहौल है, बधाइयों का सिलसिला है। इस वक्त घर पे भी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, परिवार मेरे साथ मौजूद हैं। नीरज की मम्मी मेरे साथ हैं, चाची है, बुआ है और एक और चाची है, यानी परिवार पूरी तरीके से अगर कहा जाए कि पूरा गाँव पूरा देश शामिल है। बधाइयाँ लगातार जारी हैं। मैं माता जी से बात करता हूँ। एक और खुशी बेटे ने देश को दी है, आज सिल्वर मेडल लिया है। आपने मैच देखा था, क्या लग रहा था आपको? देखो जी, बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन उसकी एक थ्रो फाउल हो गई थी, जब तो आ था घबराहट सा, लेकिन मैच बढ़िया चल रहा था जी। क्योंकि बेटा, जब आप बेटे का खेल टीवी पे देखते हो, सामने देखते हो, दोनों फ़र्क होता है, लेकिन जब खेलता है तो बिल्कुल फोकस करके खेलता है, लेकिन जहाँ फाउल प्ले हुआ कहीं ना कहीं दिल घबराया, लेकिन उसके बाद ये उम्मीद थी कि गोल्ड आएगा, लेकिन सिल्वर आया। या तो उम्मीद थी जी, गोल्ड नहीं सिल्वर, मेडल दोनों अच्छे भाई, गोल्ड भी ऐसा है सिल्वर भी ऐसा है, खुशी इतनी है। जब बेटा मैदान में उतरता है तो क्या मन में आता है, गोल्ड आएगा देश के लिए, ये आता है मन में? और जी भगवान क्या था, वो गोल्ड देवेगा सिल्वर देवेगा, बच्चा तो मेहनत इतनी करता है, सभी बच्चे मेहनत करके नहीं सोचते जनुआ भाई गोल्ड लेके आ। ये भी कहा जाता है कि जब नीरज फील्ड में आते हैं, मैदान में आते हैं, तो मेडल पक्का होता है। देखो जी, पक्का तो सोच कर तो नहीं चल रहा है, मेहनत तो इतनी नहीं कर, पक्का आवे सभी खिलाड़ियाँ जो जाओ सभी सोचते भाई जनू मेरे गोल्ड आवे सिल्वर आवे, सभी बच्चे इतनी मेहनत करते। बात कब हुई लास्ट बेटे से, क्या बोल रहा था बेटा, क्या करना है, कैसे जीतना है? बात 15 दिन सारे हुई थी। देखो जी, मेहनत कर रहा है, कहो था भाई अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। क्या क्या बोल रहे थे आपसे? बस यही थी, बेटा ठीक ठाक है, कहाँ ठीक है भाई, प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है मम्मी। जीत के बाद बात हो पाई? नहीं जी, बात नहीं हो पाई। तो लगता है कि बात हो जाए जल्दी से, यहाँ देश आए, इंतजार सब कर रहे हैं, माँ इंतजार कर रही है, परिवार इंतजार कर रहा है। नहीं जी, गेम देख लिया, सब इंतजार कर रहे हैं, सारा भारत देख रहा है, हम तो नहीं हो कहाँ, फुर्सत मौका अपने आप ही करेगा। मिठाइयाँ बट रही हैं, यहाँ भी बट गई है अभी मिठाई। हाँ, बट रही है जी, अंदर ही प्लेट में। तो क्या लग रहा है कि अब आगे क्या सोचा है कि नीरज और क्या करे? यही उम्मीद है जी, आगे भी सिल्वर या गोल्ड कुछ भी लेकर आए। बिल्कुल, देश का नाम बिल्कुल रोशन किया है, आप चाची हैं, क्या लग रहा था कि जब बेटा खेल रहा था फील्ड में? ये लग रहा था जी, मेडल तो पक्का है, चाहे मेडल का रंग कोई भी हो, मेडल की उम्मीद पक्की थी हमें जी, उसकी मेहनत ना देख कर। आपसे बात हुई, आप लोग बात करते होंगे जब घर पे आते होंगे, किस तरीके की बातें करते हैं? वसीफ तो काफ़ी समय से बाहर ही थे जी, वो 5-6 महीने से बाहर ही थे। हाँ। तो जी फ़ोन पे बात होती है अब तुम्हारी, तो फ़ोन पे यही करूँगा, फिर जब भी आऊँगा तो आंटी बेहतरी करके आऊँगा तो मेडल जरूर लेके आऊँगा देश के। बस इंतजार कर रहे होंगे कि उसका स्वागत करें? तो अगले गेम के उसको इंतजार कर रहे जी, कॉमनवेल्थ का, और उसमें सोच रहे कि देश के लिए गोल्ड लेके आए, तो उसके बाद स्वागत ही फिर सोचेंगे जी, अब तो अंधे नहीं हुए अभी। आप बुआ जी, आपने मैच देखा होगा, कैसा लग रहा था मैच देख के आपको, क्या होगा? बहुत खुशी हो रही थी जी, जमा गर्व तसीना चौड़ा कर दिया छोरे ने। इससे पहले भी चैंपियन बना? हाँ, और हाँ जी, चैंपियन हाँ जी, हाँ जी, अपने देश के लिए बच्चे ने मेडल लिया, बहुत गर्व की बात है जी, बहुत खुशी हो रही है, आम नाम नहीं जी, सारे देश ने हो रही इस बच्चे पर। आप लोग सब ने मैच एक साथ बैठ के देखा होगा, गाँव के लोग भी देख रहे थे, हालांकि सभी पूरा देश ही देख रहा था, उम्मीद थी कि नीरज गोल्ड लेके आएगा, लेकिन सिल्वर भी लाया। 2003 के बाद ये कहा जा रहा है कि पहला मेल एथलीट चैंपियनशिप, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें नीरज ने सिल्वर जीता है, तो क्या लग रहा था आपको? बहुत अच्छा लग रहा था जी। आपने क्या सोचा कि जब आप आपस में बात कर रहे होंगे कि बेटा खेल रहा है, हम देख रहे हैं, क्या लग रहा था उस समय मन में? बहुत खुशी हो रही थी जी कि जीत के आए। आप भी देख रहे थे, क्योंकि आप व्यवस्थाओं में भी लगे हैं, मैं देख रहा हूँ, आप तो यहाँ पे लोगों की बधाइयाँ ले रहे हैं, दे रहे हैं, और जिस तरीके से लड्डू बट रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, क्या कहेंगे कि अब ये चलता रहेगा? हाँ जी, ये तो चलता ही रहे, जैसे गोल्ड की ओलंपिक में चला था ना, ऐसे तो चलता ही रहे जी। एक भीड़ थी, उम्मीद रखेंगे कि जी आगे भी चले, जैसे अगला खेल है ना, यदि बच्चा गोल्ड लेके आए, मेहनत करे गोल्ड लेके आए, तो ऐसे चलता ही रहेगा जी। क्योंकि अभी गांव वाले इंतजार कर रहे हैं कि अब आएंगे, आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं, क्या तैयारियां कर रखी हैं आप लोगों ने? तैयारियां तो जी फिलहाल तो मन में ही है जी। हाँ। जब बच्चा आगे और ज़्यादा मेहनत करेगा, गोल्ड लेके आएगा, तैयारियां तो फिर करेंगे जी। अब लगता है कि दोबारा जब मैदान में उतरे तो गोल्ड के साथ उतरे, क्योंकि उम्मीद अब भी गोल्ड की थी, लेकिन एक फाउल प्ले की वजह से सिल्वर आया, लेकिन देश फिर भी नाम रोशन किया है देश का उन्होंने जी। हर भारतीय यही सोच रहा है कि सभी नीरज गोल्ड लेके आए जी, और हम भी यही
सोच रहे हैं कि बच्चा मेहनत करे और गोल्ड लेके। आज आइकॉन बन चुके हैं या यूथ आइकॉन कहा जाता है कि जितने गांव के लोग हैं या देश के लोग हैं बच्चे जो हैं उनकी तरह बनना चाहते हैं। हाँ जी, हम भी यही चाहते हैं कि पूरे भारत के बच्चे नीरज जैसे बने और सभी माँ बाप बहुत अपने बच्चे पर प्राउड फील करें। मैं एक बार फिर बात करूंगा कि जिस गांव से आप हैं, छोटा गांव है, लेकिन इस गांव के उस बेटे ने देश का नाम रोशन किया है, और भी बेटे जो हैं नीरज की तरह बनना चाहते हैं। देखो जी, हम तो यह कहवा नीरज के गोल्ड जीतने के बाद भी बहुत बच्चे प्रैक्टिस करने लग गए हैं। हम तो नहीं कहा बच्चे सब के ऐसे हो जैसा नीरज हो, इतना का नाम नीरज कर दिया और इतना का और बच्चे कर दे। अच्छा, तो कोई से बच्चे सब का दे। एक चीज़ वैसे बताइए, जब घर पे आते हैं तो क्या खेल की बातें करते हैं, घर के माहौल में घर घर के जैसे हो जाते हैं? नहीं जी, बाण भाई बैठ कर पूरी खेल की भी बतलावा, घर की भी बतलावा, सारी खेल कूदन सारे बतलावा, तो घर में घटी बदी की भी बतलावा, चाचे ताऊ मगेल भी बतलावा। तो यहाँ घूमने घामने जाते हैं लोगों के बीच में, घर पे रहते हैं? नहीं जी, बहुत बड़ा है, बाहर बैठक है, बैठक में भी घर अभी सारे को आम जावा। हाँ, मिलने भी आवा, खुद भी मिल ला बैठक में। लेकिन अब इंतजार होगा स्वागत का? हाँ जी, इंतजार पूरा। बिल्कुल, एक तस्वीर बिल्कुल बदलती है क्योंकि सिल्वर मेडल नीरज ने जीता है, और जिस तरीके की तस्वीरें गांव में है, देश में है, बधाइयों का सिलसिला है, खुशी का वक्त है कि देश में एक सिल्वर आया है। नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके से खेल का प्रदर्शन किया है, जाहिर सी बात है ओलंपिक चैंपियन के बाद अब वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत के देश का नाम रोशन किया है, और बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। कैमरा दीपक के साथ राहुल प्रकाश, पानीपत।